डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के दो डिफरेंट तरीके हैं सर, वो तो है ना, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं, वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हैं। तो स्ट्रेट लाइन और WDV डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट के अलग मेथड्स हैं, वो अलग चीज है। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट ही अलग है। एक ट्रीटमेंट है कि पता नहीं क्या बोला था मैंने लास्ट, जो भी था। एक होता है कैलकुलेशन के दो अलग मेथड, स्ट्रेट लाइन और WDV। एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स। तो ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे। एक मेथड होता है जो अभी तक हम सुनते आए हैं बचपन से लेके आज तक, कि डेप्रिसिएशन इज द फॉल और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, एसेट में से रिड्यूस हो जाती है वैल्यू, एक्सपेंस होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देते। ये ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन थी। क्या थी ये? वो कैलकुलेशन नहीं है, वो ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट का एक और मेथड होता है, डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट का एक और मेथड होता है, बिल्कुल अलग। कह रहे डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट तो होगी, डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट तो होगी, बट एसेट में से डिडक्ट नहीं होगी। कह रहे मतलब एसेट में से अगर डिडक्ट ही नहीं होगी तो एसेट तो अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहेगा। मैंने 10 लाख का एसेट खरीदा, डेप्रिसिएशन है 10%, 1 लाख। कह रहे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो होगी बट एसेट में से डिडक्ट नहीं होगी। कह रहे फिर फायदा क्या? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन वॉज टू शो द एसेट एट इट्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू। वो तो ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे अगर हम एसेट में से डिडक्ट ही नहीं करेंगे? कह रहे वो अक्यूमुलेट करते जाओ, डेप्रिसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करके आप अक्यूमुलेट करते जाओ, एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहेगा। डेप्रिसिएशन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर कितनी हुई? 1 लाख। स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, मेथड इसमें भी वही है, स्ट्रेट लाइन और WDV दोनों है। ट्रीटमेंट अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, तरीका अलग हो गया उसको दिखाने का, दिखाने का। सेकेंड ईयर स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अगेन 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होती जा रही है, एक साल के बाद डेप्रिसिएशन का अक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या है? एक साल के बाद 1 लाख, 2 साल के बाद 2 लाख अक्यूमुलेटेड बैलेंस। दूसरे साल की 1 लाख है लेकिन डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होती जा रही है। 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन का अक्यूमुलेटेड बैलेंस 2 लाख, 3 साल के बाद 3 लाख। अब 3 साल के बाद हम बेच रहे हैं अगर एसेट को, जब एसेट बेच रहे हैं तो एसेट में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट बट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। तो 3 साल के बाद अगर आप एसेट बेच रहे हैं, अब डेप्रिसिएशन एसेट में से डिडक्ट कर दो। एसेट कितने का था ओरिजिनल कॉस्ट? 10 लाख। 3 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 3 लाख। तो आ गई ना बुक वैल्यू 7 लाख। तो ट्रू एंड फेयर वैल्यू पे आ गए, आ गए। सर फायदा क्या हुआ फिर? एंड में तो हम वही कर रहे हैं, एक एक साल करके करते तो भी वही रहते। एट द एंड ऑफ द पीरियड या जब हम एसेट बेच रहे हैं, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट, तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो ही रही है। तो फिर फायदा ही क्या इस मेथड का? ऐसे कि हम दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एक अकाउंट का नाम है एसेट अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऑल्सो नोन एज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन होंगे। कह रहा फायदा क्या है? कह रहे बेटा फायदा ये है कि हर मोमेंट पे, हर साल आपको ये पता होगा आपने एसेट कितने के खरीदे हुए हैं और उन पे आज तक डेप्रिसिएशन कितनी है। वरना अगर मैं बोलूं कि आपके एसेट का बैलेंस है 5,50,000 और आप नॉर्मल मेथड फॉलो करते हो, तो आप बता सकते हो 5,50,000 को देख के कि आपने एसेट खरीदा कितने का था? नहीं। लेकिन जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आपके सामने ओरिजिनल कॉस्ट भी है, आपने आपके सामने उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन भी है। एक सेकंड में आप निकाल लो, बुक वैल्यू भी निकाल तो सकते हो ना। बुक वैल्यू क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टू डेट। तो अब आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट भी है, उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन भी है,
और उसके डेप्रिशिएटेड वैल्यू दैट इज द बुक वैल्यू वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके डिस्पोजल पे होगी। तो कंपनीज यही मेथड फॉलो करती हैं। कंपनीज नॉर्मली ऑप्शन है कंसिस्टेंसी अप्रोच होगी कि भैया आपने जो मेथड चूज करा है इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। बट जब आप कंपनीज की बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी लिमिटेड कंपनीज कोई भी रिलायंस लिमिटेड देख लो या कुछ भी देख लेना, तो उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग मेंटेन होगा, एसेट्स अलग शो हो रखे होंगे, एसेट्स अलग शो हो रखे होंगे। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर फॉर चार्जिंग एनुअल डेप्रिसिएशन, फॉर चार्जिंग एनुअल डेप्रिसिएशन। कह रहे डेप्रिसिएशन तो हर साल कैलकुलेट होगी, हर साल चार्ज होगी, बट अब एंट्री डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट नहीं होगी, अब एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस बढ़ गए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर होता है लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर होता है लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। इंक्रीज इन सर लायबिलिटी कैसे, हमने किसी के पैसे देने का नहीं, आप एक प्रोविजन क्रिएट करे जा रहे हैं जो पैसा कहीं और यूज नहीं हो सकता, सिर्फ एसेट रिप्लेसमेंट के लिए ही हो सकता है, इसलिए ऑल प्रोविजन आर लाइबिलिटीज। यू आर सेटिंग असाइड अ सर्टन सम ऑफ मनी विच विल बी यूज इन फ्यूचर टू रिप्लेस दी एसेट। तो फॉर चार्जिंग एनुअल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब एक एडिशनल एंट्री, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स, अब ये हर साल ही होती है, मतलब ये दोनों मेथड में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके आगे अकाउंट में लिख देना इट इज अ स्टेटमेंट, डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को भी आ सकता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेपरेट अकाउंट है, एसेट मशीनरी फर्नीचर सेपरेट अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अपने आप में एक सेपरेट अकाउंट है, वो पिछले मेथड में भी आ सकता है, मतलब कुछ भी लेजर अकाउंट है। क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू मशीनरी टू एसेट, और एट द एंड ऑफ द ईयर उसका क्या होता है, इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाय पीएनएल अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, राइट ऑफ हो जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लाइबिलिटी, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एसेट अकाउंट रियल अकाउंट वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, जो भी उस पीरियड का डेप्रिसिएशन है वो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ हो जाता है। तो चार्जिंग डेप्रिसिएशन आप सिर्फ यही एंट्री यूज कर रहे होंगे नॉर्मल सिनेरियो में कि डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें नॉर्मली 99% केसेस में दो अकाउंट बनाने को आते हैं जब हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। कौन से दो अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और दूसरा एसेट अकाउंट। बट मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को आ भी जाए तो खुश होना कि फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि हर साल जितनी भी डेप्रिसिएशन हुई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेबिट साइड पे आ जाएगा टू एसेट, क्रेडिट साइड पे सेम अमाउंट आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट, खत्म। जितना डेप्रिसिएशन उतना ही पीएनएल में ट्रांसफर होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्लियर है, एसेट में से डिडक्ट नहीं होगी। एनुअल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी डिडक्टेड एवरी ईयर
फ्रॉम दी एसेट अकाउंट। नॉर्मल सिनेरियो में तो क्या हो रहा था, एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाता था लास्ट में मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, तो वो एसेट में से डिडक्ट ही हो रही होती थी। तो इसमें नहीं होगी, इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट अकाउंट एवरी ईयर। इट क्या है अक्षर, इट क्या है, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट ओनली व्हेन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री हो जाएगी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी देवांश, कम होगी। तो जो आपने जितना प्रोविजन क्रिएट किया है वो यूज हो रहा है वो एसेट की लाइबिलिटी, एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए। तो वो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अब ट्रांसफर हो रहा है एसेट अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो जो आपने अक्यूमुलेट करे जा रहे थे करे जा रहे थे करे जा रहे थे बैलेंस, वो आप ट्रांसफर कर दिया एसेट अकाउंट में, तो उतने से आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो गई, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ओके, ये एंट्री कब पास होती है नैना, बी केयरफुल, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। क्लियर, जैसे आपने ये एंट्री पास कर दी उसके बाद बुक वैल्यू आ गई, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का तरीका सेम होगा। आप कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से, उसके बाद प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है तो एसेट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, इन दिस मेथड टू सेपरेट अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, इन दिस मेथड टू सेपरेट अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, इन दिस मेथड टू सेपरेट अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, इन दिस मेथड टू सेपरेट अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। कौन से दो सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, एक एसेट अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट विल बी मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट अकाउंट विल बी मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, आज ही खत्म हो जाएगा, याद आएगी उन बच्चों की जो हमारे साथ आज नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में भी यूज होगा ये सेम चीज, वो भी होगी विदाउट प्रोविजन भी होगी, बट मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादा होगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा छोटी सी चीज है तो एकदम से शुरू होती है और खत्म हो जाती है, क्योंकि ज्यादा चीजें चेंज नहीं हो रही। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कोई चेंज नो, कैलकुलेशन सेम है, एंट्री डिफरेंट है, तो दैट मेक्स द प्रेजेंटेशन डिफरेंट। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था जहां पे हम सब अटकते थे, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट, वो सेम है, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं, बस फर्क मेजर क्या है, डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट तो हो रही है बट हर साल एसेट में से रिड्यूस नहीं हो रही, वो एक सेपरेट अकाउंट में अक्यूमुलेट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एसेट में से कब डिडक्ट होगी, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, इसमें भी क्वेश्चन दो अलग तरीके के आते हैं। नॉर्मली क्या आता है, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस करके दिखाता हूँ, चलो वो तो कुछ नई बात इन्होंने बतानी है तो बता दो भैया। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट बट इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट एवरी ईयर, इट इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट। एज अ रिजल्ट एसेट कंटिन्यूज टू बी शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट अकाउंट विल कंटिन्यू टू बी शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, कब तक, टिल द डेट ऑफ सेल।
फिर एट द टाइम ऑफ सेल पहले उस पर जो डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुई है वो माइनस होगी, फिर आगे बढ़ेगी। द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शोज टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट इन द बैलेंस शीट, एसेट इज शोन एट कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन द बैलेंस शीट एसेट विल बी शोन, बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। एसेट साइड पे अब जैसे मशीनरी है, मशीनरी पहले आएगा ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रेजेंटेशन दो सेपरेट अकाउंट्स हैं, एसेट अकाउंट अलग मेंटेन हो रहा है, एसेट इज बीइंग शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से शो हो रही है। सर एसेट में से तो रिड्यूस हो गई, नहीं नेक्स्ट ईयर जब फिर कैरी फॉरवर्ड होगा एसेट इसी वैल्यू पे रहेगा, डेप्रिसिएशन का अक्यूमुलेटेड बैलेंस ये होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि फायदा पर्पस यही था कि आपके पास हर टाइम उसके ओरिजिनल कॉस्ट भी है, उस पर आज तक के डेप्रिसिएशन कितनी लगी है वो भी है, और बुक वैल्यू भी सामने दिख रही है। ये जर्नल एंट्री नहीं हो रही, जब जर्नल एंट्री पास हो जाएगी ना, जब एसेट क्रेडिट हो जाएगा डेप्रिसिएशन से, तब एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई है। ये सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, ये सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। ओके कोई डाउट? बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इसको क्या बोलते हैं, हमने पहले भी सुना कहीं ना कहीं आया है, ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक कभी ट्रायल बैलेंस के किसी क्वेश्चन में आ गया था ना, ग्रॉस एसेट, ग्रो मशीनरी ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक इज द वैल्यू ऑफ द एसेट बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। मशीनरी ये ओसी क्या है, अभी तो हो सब बाद में याद नहीं आएगा आपको। मशीनरी इसको बोलते हैं नेट ब्लॉक, क्या बोलते हैं इसको, नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक क्या होता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है, बिफोर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन का फायदा ही क्या होता है, हर साल आपके पास उसकी आपने कितने का वो खरीदा था वो वैल्यू भी है, उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी वो भी है, और आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू क्या होती, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्लियर? बट एसेट अकाउंट में से डेप्रिसिएशन हर साल माइनस नहीं होती। एसेट अकाउंट में से डेप्रिसिएशन कब माइनस होती है, ओनली एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। ओके चलो बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, सिंपल।